मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। सत्यव्रत चतुर्वेदी पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप है। कांग्रेस के खिलाफ कार्य करने पर दिग्गज कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी को हाईकमान ने निष्कासित कर दिया है। खजुराहो में अपने निष्कासन के बाद उनका पहला बयान सामने आया है। चतुर्वेदी ने पार्टी से निष्कासन पर हाईकमान को धन्यवाद दिया। उन्होंने पार्टी से निष्कासन के बाद अपने अगले कदम पर बोलते हुए कहा कि वह अपने बेटे बंटी चतुर्वेदी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसे जिताने में लगा हुआ हूं। सर, आपको कांग्रेस पार्टी ने कल निष्कासित कर दिया है, मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं आभारी हूं, धन्यवाद दूंगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम क्या है? मैं तो अभी अपने बच्चे के चुनाव का प्रचार कर रहा हूं। क्या उम्मीद लग रही है आपको अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता का हमें पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा और हम अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। आपके जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं उनके लिए क्या आप निर्देश देंगे? सभी को मेरा आह्वान है, आइए क्षेत्र की दुर्दशा दूर करने के लिए बंटी को जिताइए और फिर वो आपकी सच्ची सेवा करेगा। दिग्विजय सिंह ने आपके लिए कहा है कि हमने टिकट के लिए प्रयास किया और ये उनका अधिकार बनता था, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाकर के ये गलत कदम उठाया है। दिग्विजय सिंह को अपनी राय देने का पूरा अधिकार है
मुझे कुछ नहीं कहना। चतुर्वेदी ने क्षेत्र की जनता से कहा कि वह उनके बेटे बंटी को जिताएं ताकि वो इस पिछड़े क्षेत्र की सेवा कर सके। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान कि बंटी का पहला हक बनता था लेकिन सत्यव्रत को बगावत नहीं करनी चाहिए थी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह स्वतंत्र हैं किसी भी सवाल का जवाब देने को, मैं इस सवाल पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी आपके चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।